नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों आज है 19 फरवरी का दिन और यह दिन हम सबके लिए ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि आज है जनता के राजा श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। और दोस्तों यह दिन हम सबके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये दिन हमें एक मौका देता है कि हम जान पाए समझ पाए क्या था शिव चरित्र, किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय हिंदवी साम्राज्य की संकल्पना तथा उसको सच करके दिखाया, जब भारत में चारों तरफ मुगलों का ही शासन था और मुगलों में भी सबसे क्रूर शासक औरंगजेब का राज था। तो दोस्तों वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज में इतने सारे गुण थे कि उनको बताना मेरी क्षमता के बाहर का काम है। फिर भी दोस्तों मुझे जितना कुछ समझ में आया, बचपन से जो मैं सुनता आया हूँ शिवाजी महाराज की कहानियां, मेरी नानी से, मेरी माँ से और मेरे आसपास के जितने भी बड़े बुजुर्गों ने मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया, जो कुछ मैंने नेट से सर्च करा, जो कुछ मैंने समझा पढ़ के, वो आज मैं आपसे संक्षिप्त में शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों शिवाजी महाराज का जो सबसे पहला बड़ा गुण था वह था बचपन के संस्कार। दोस्तों किसी इमारत को बनाना हो तो उसकी नींव ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों हम देखते हैं जो बिल्डिंग जितनी ऊंची बनाई जाती है उसकी नींव उतनी गहरी और उतनी मजबूत डाली जाती है। तो दोस्तों शिवाजी महाराज का जो विराट चरित्र हमारे सामने आता है उसकी नींव उनकी माता जी जीजा माता ने बचपन से ही शिवाजी महाराज के मन में भारत के संस्कार डाले थे। उन्हें बचपन से ही रामायण तथा महाभारत सुनाई थी, जिसका उनके चरित्र पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सीखा कि भगवान राम ने किस तरह वीरता से बिना डरे रावण की लंका में जाकर उसको जाके हराया और भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से अपनी सूझबूझ से युद्ध का पासा ही पलट दिया। तो दोस्तों बचपन के जो संस्कार हैं वो हमें आगे जाकर हमारा चरित्र कैसे बनेगा, हम क्या बनेंगे, यही हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। और दोस्तों शिवाजी महाराज की माता ने कभी भी शिवाजी महाराज को बचपन में डरना नहीं सिखाया, हमेशा लड़ना सिखाया। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि डरो मत। दोस्तों अभी कोरोना का समय चल रहा है, हम बच्चों को डरा डरा के बचा बचा के रख रहे हैं, जिसका उनके दिमाग पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों तो हमें जैसे ही अब जैसे बीमारी थोड़ी कम होने लग गई है कोरोना की, तो हमें बच्चों को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए, थोड़ा अपने खुद से आगे जाके दोस्तों के साथ खेलने कूदने को देना चाहिए, जिससे उनके मन में भी डर ना बैठे और वो आगे जाके डरपोक ना बने। दोस्तों शिवाजी महाराज का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण मुझे लगता है वो है सबको साथ लेके सबको जोड़ के आगे बढ़ने की बात। दोस्तों जब शिवाजी महाराज अपना महान हिंदवी साम्राज्य खड़ा कर रहे थे, तब उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं सिर्फ एक ही जाति के या एक ही धर्म के लोगों को लेके आगे बढ़ूं। दोस्तों शिवाजी महाराज ने लोगों की व्यक्तिगत क्वालिटीज को देखा कि उस व्यक्ति में दम है कि नहीं जो मेरे साथ आ रहा है। उन्होंने यह नहीं देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, यह किस जाति से आ रहा है, किस समाज से आ रहा है। उन्होंने देखा कि हाँ व्यक्ति में गुण है, इसमें बहादुरी है, इसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, ये लड़ सकता है। उन्होंने कहा आ जाओ हमारे साथ लड़ो, और उन्होंने अपनी लीडरशिप के गुण उन सब में दिए ताकि उनका भी अच्छा चरित्र निर्माण हुआ और वह शिवाजी महाराज के हमेशा वफादार बन के रहे। तो दोस्तों शक्ति जोड़ने से ही बनती है, तोड़ने से तो शक्ति कम ही होती है। तो यह शिवाजी महाराज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण था जो कि हम सबको सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें लोगों को साथ लेके चलना है, अकेले रह के चलने से कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों शिवाजी महाराज एक महान योद्धा तो थे ही, पर सिर्फ एक योद्धा ही एक महान साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। दोस्तों इतिहास में कई सारे वीर योद्धा हुए हैं, परंतु वह एक महाराजा, एक छत्रपति या एक सम्राट नहीं हुए है। दोस्तों इसके लिए जरूरी होती है राजनीति की गहरी समझ, और शिवाजी महाराज को युद्ध नीति के साथ साथ राजनीति तथा कूटनीति की भी गहरी समझ थी। इसके उदाहरण हमें हर जगह पर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से पुरंदर की संधि हुई तो शिवाजी महाराज को अपने कुछ किले देने पड़े थे। सब लोगों को लगा कि देखो शिवाजी महाराज तो बैकफुट पे आ गए, ये लोग हार गए, परंतु दोस्तों इसने शिवाजी महाराज को एक समय दिया है एकजुट होने का, अपनी ताकत को फिर से जोड़ के आगे बढ़ने का, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने कई सारे और किलों को जीत लिया तथा जितने भी किले पुरंदर की संधि में देने पड़े थे उनको भी उन्होंने वापस ले लिया। और दोस्तों ऐसे भी और भी कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पे शिवाजी महाराज ने कई बार तो बिना युद्ध लड़े ही युद्ध जीत लिया। तो दोस्तों जोश के साथ साथ होश, ये शिवाजी महाराज को अन्य सभी योद्धाओं से अलग बनाता है।
और दोस्तों चौथा कारण जो मुझे शिवाजी महाराज की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण लगता है वो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी अपने घेरे से बाहर सोचना। और यह दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारे आज की परिस्थितियों के लिए भी है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी ऐसी किसी ना किसी उलझन में फंस जाते हैं जहाँ पे हमको कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स सोचना वही होता है कि पुराने चले आ रहे ढर्रे से कुछ नया सोचना, विपरीत परिस्थितियों में कुछ नई चीज निकाल के उसको लोगों के सामने रखना। तो दोस्तों शिवाजी महाराज में यह गुण मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो जब शिवाजी महाराज को मुगल बादशाह ने नज़र बंद करके रख दिया था तो वह किस तरह से मिठाई के डब्बे में भाग के निकले। और दोस्तों इसका एक और उदाहरण कि किस तरह से अपने से आकार में 2.5 गुना 2 गुना ज़्यादा बड़े अफजल खान को शिवाजी महाराज ने हराया। दोस्तों वो जब अफजल खान से मिलने गए थे तो वो पहले से ही तैयार होके गए थे, उनको पता था कि ये धोखा दे सकता है, तो विपरीत परिस्थिति आने के पहले ही कैसे उनसे तैयार रहा जाए, कैसे उनसे बचा जाए। अफजल खान को जो वाघ नख से उन्होंने पेट चीर के मारा और अपने बचाव के लिए जो लोहे का कवच लगा के गए, दोस्तों ये हमें सिखाता है कि हमें विपरीत परिस्थिति में बिना डरे अपनी सूझबूझ से किस तरह से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों यह थी शिवाजी महाराज की मुझे मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण खूबियाँ जिसे हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने जीवन में सफलता के राह तय करने चाहिए। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा तथा आप शिवाजी जयंती किस तरह से मनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल मालवा डायरी के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।